हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है महजबी की किचन में। आज मैं बना रही हूँ चिकन ब्रेड क्रम पकौड़ा की एक नई रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी बनती है। ये बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। आप भी एक बार इस रेसिपी को ट्राई करके देखेगा, आपकी भी सब पसंद करने वाले हैं। उसके लिए हमने चिकन ले लिया है, ये 200 ग्राम मैंने चिकन ले लिया है, छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया है इसको। और इसको जो है हम बॉईल कर लेंगे, एक पैन में इसको डाल देंगे। तो यहाँ मैंने पैन में डाल दिया है और एक कप पानी डाल देंगे इसमें बॉईल करने के लिए, और रख देंगे इसको गैस पे बॉईल करने के लिए। और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं फ्रेंड्स। और थोड़ा इसमें नमक भी डाल देंगे। देखिए, हमने गैस पे रख दिया, अच्छे से हमारा ये बॉईल हो गया है। चेक कर लेंगे, गला है ये नहीं, तो गल जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। देखिए, हमारा चिकन जो है गल चुका है, इसको छान लेंगे। छान के और इसका कीमा इस तरह से बना लेंगे, तोड़ देंगे। चाहे आप मिक्सर से भी कर सकते हैं, मैंने हाथ से ही कर लिया है इस तरह से। अब चलिए इसकी ग्रेवी बना लेते हैं और मसाले डालकर इसमें। यहाँ मैंने एक आलू लिया है बड़े साइज का, उसको बॉईल कर लिया था, मैश कर लिया है। चिली फ्लेक्स लिए हैं, टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ मिर्च डालें। गरम मसाला लिया है 1 चम्मच, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और मैंने लिया है चिकन मसाला, चिकन तंदूरी मसाला। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है फ्रेंड्स। और टमाटो सॉस 1 चम्मच, बारीक कटी हुई प्याज 2 चम्मच, आप अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा भी कम ज़्यादा भी डाल सकते हैं। हरी मिर्च, हरा धनिया भी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना आपको पसंद हो कम या ज़्यादा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स, और इसके पकोड़े बहुत ही टेस्टी लगते हैं फ्रेंड्स, चिकन पकोड़ा। तो देखिए, हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है इसका बैटर, स्टफिंग तैयार है। तो हम ब्रेड ले लेंगे। तो यहाँ मैंने बड़े साइज वाले ब्रेड लिए हैं, तो आप चाहें तो कोई सा भी ब्रेड ले सकते हैं। तो मेरे पास थे बड़े वाले ब्रेड, तो मैंने वही इस्तेमाल कर लिए हैं। तो इस पे ब्रेड पे हम इसको लगा देंगे चिकन को, जिस तरह से आलू को लगाया जाता है वैसे ही हमें चिकन को भी लगा लेना है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है हमारे चिकन पकोड़ा में। तो देखिए, हमने इस तरह से इसको लगा लिया है। एक पीसेस या दो पीसेस करने में बहुत बड़ा होगा ये, तो हम इसके करेंगे 4 पीसेस, तो जिससे कि बहुत अच्छे से पीस बन जाएंगे, ना बड़े होंगे ना ही छोटे होंगे। तो देखिए, हमने इस तरह से 4 पीसेस इसके बना लिए हैं। आप चाहें तो जितने बना सकते हैं, स्टफिंग भी उसी के हिसाब से बना लीजिएगा, कम ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग भर लीजिएगा इसमें। तो आप इसमें ज़्यादा भी भर सकते हैं, कम भी भर सकते हैं। तो मैंने आपके सामने इतनी ही भरी है, ना ही कम है ना ही ज़्यादा है। तो बच्चों को कम ही पसंद होती है, तो मैंने उसी के हिसाब से रखा है। तो इसको अच्छे से हम दबा लेंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए हमारे ब्रेड स्टफिंग में। देखिए इस तरह से करके। अब चलिए, इसके लिए हम तैयारी कर लेते हैं। ये ब्रेड तैयार हो गए हैं, ब्रेड पे लगाने के लिए आगे के प्रोसेस की तैयारी करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, मैंने यहाँ बाउल लिया है और 1 कप मैदा ली है। ब्रेड के लिए हम सिलेरी बनाएंगे मैदा की, तो मैंने मैदा के अकॉर्डिंग इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है और कुछ नहीं डाला इसमें। हम पानी थोड़ा थोड़ा डाल के अच्छे से इसका घोल बना लेंगे, लम्स नहीं रहे हों इसमें, इस तरह से हमें इसका घोल बनाना है। तो देखिए, हमारा इस तरह से घोल बन गया है। अभी हाँ, मैंने ब्रेड को भी इस तरह से ग्राइंड कर लिया है, क्रम बना लिया है ब्रेड का। तो हम ब्रेड का इस्तेमाल करने वाले हैं अपने पकौड़ा में। तो मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है पैन में, थोड़ा ही तेल रखे, ज़्यादा नहीं। तो इस तरह से हम साइडों से स्लरी को लगा देंगे ताकि ये जो इसकी स्टफिंग है वो निकले नहीं।
तो बाद में थोड़ा सा बीच से भी लगा देंगे बाद में। तो अब इस तरह से हम इसे ब्रेड लगा देंगे, सब तरफ से अच्छे से ब्रेड की कोटिंग कर देंगे ब्रेड क्रम की। तो देखिए हमने अच्छे से कोटिंग कर दी है, डाल देंगे इसको पैन में तेल के अंदर। तो इसी तरह से हमें डाल डाल के बना लेना है, जितने भी आप बनाए इस तरह से बना सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं फ्रेंड्स, मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आते हैं, तो आपके यहाँ भी सबको पसंद आएंगे उम्मीद है मुझे, और मुझे भी काफ़ी पसंद आए हैं। तो फ्रेंड्स एक बार आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे, हमारे बनाने का तरीका अच्छा लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से हम इसे उलटते पुलटते फ्राई कर लेंगे। तो हमें लो टू मीडियम ही रखना है, ज़्यादा तेज़ फ्लेम नहीं रखना है और ना ही ज़्यादा कम रखना है, जिससे कि हमारे अच्छे से इस पर कलर आ जाए और अंदर तक ये अच्छे से पक जाए स्टफिंग भी। तो देखिए क्योंकि हमें स्टफिंग को फ्राई नहीं किया है, तो हमने इसमें इस तरह से फ्राई किया है ना, तो इसी में ये फ्राई हो जाएंगे, तो ज़रूरत ही नहीं है स्टफिंग को फ्राई करने की। तो ये अंदर तक अच्छे से पक ही जाएगी स्टफिंग इसमें इसके साथ। तो हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाया है, देर तक पकाया है इसको। तो देखिए कलर भी कितना अच्छा आया, अंदर तक अच्छे पके हैं और फूले भी हैं। देखिए तैयार हो गए हैं हमारे चिकन ब्रेड पकोड़ा, चलिए सर्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स खाने में ये बहुत ही टेस्टी है, आप भी बनाइएगा और सबको खिलाइएगा, और सबको बहुत पसंद आने वाले हैं और सब आपकी तारीफ भी करने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा क्रंची और काफ़ी टाइम तक ये क्रंची बने रहते हैं, ऐसा नहीं है कि सॉफ्ट पड़ जाए कुछ टाइम रखने के बाद। तो आप एक बार बनाकर देखिएगा, आपको भी यकीन आ जाएगा कि वाकई ये क्रंची भी रहते हैं और टेस्टी भी बने रहते हैं। तो इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, है ना, देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो चलिए इनको चेक कर लेते हैं किस तरह से ये बने हैं। तो इनकी कटिंग कर लेंगे फ्रेंड्स अंदर से कैसे हैं। तो देखिए आप अंदर से देख सकते हैं कितने अच्छे से तैयार हुए हैं, तो काफ़ी भरी है स्टफिंग इसके अंदर, आप चाहें तो इसमें ज़्यादा भी भर सकते हैं। तो मैंने मीडियम ही रखा है, बच्चों को खाना है, बच्चों के लिए मैंने बनाया है, तो है ना फ्रेंड्स। तो चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप भी अपना ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स, और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रमज़ान।